नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डीमार्ट कंपनी का अगले दिन का अपर टारगेट एंड लोअर टारगेट दोस्तों क्या हो सकता है और आपको कौन से रेंज पे दोस्तों ध्यान देना है, इसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक दोस्तों देखना। तो पहले इसका ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, पूरा का पूरा कैंडलस्टिक का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों इसका लास्ट वाला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये वाला दोस्तों। हालांकि दोस्तों यहाँ पर फिलहाल के लिए कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो हम बात करते हैं दोस्तों इसकी यह वाला कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो कि दोस्तों बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों स्टॉक का परिणाम को अगले दिन नीचे की ओर देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पर बना देता है तो स्टॉक का दोस्तों ऊपर भी जा सकता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दोस्तों नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बेयरिश इंडिकेटर है। ठीक है, तो बात करते हैं इसका अगले दिन का अपर थ्रेट के बारे में। तो फोर रहेगा दोस्तों 3880 रुपीज के आसपास इसका अपर थ्रेट रहेगा, और लोअर थ्रेट दोस्तों रहेगा 3710 रुपीज के आसपास। ठीक है, तो इसी को आपको ध्यान देना है, इसके बाद भी खुद का एनालिसिस करना फिर पैसा लगाना। यह वीडियो सिर्फ एडुकेशन पर्पस के लिए, कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं। थैंक यू।